अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो अभी मैं मौजूद हूँ किडनी हिल पार्क के अंदर। ये आप यहाँ का पूरा व्यू देख सकते हैं। अब यहाँ पे पूरे पेड़ भी लगना शुरू हो चुके हैं। ये देखें, ये सारे पेड़ ज़रा पहले नहीं थे, अब यहाँ पे लगना शुरू हो चुके हैं। और एक पुरसकून माहौल है ज़रा। इस जगह पे एक मज़ार भी मौजूद है इस जगह पर। ये रहा मज़ार। अभी तो मौसम ही बहुत अच्छा हो रहा है, ये देख सकते हैं आप। हर जगह मतलब बादल वाला मौसम हो रहा है। और अब तो यहाँ पे ये रोड भी थोड़ा अच्छा हो गया है यहाँ का, पहले बहुत ख़राब रोड था। ये आप यहाँ का पूरा व्यू देख सकते हैं, जैसे कितना अच्छा व्यू है यहाँ से। वहाँ पे सारी बिल्डिंग है और यहाँ से आप ये पूरा व्यू देखें। और इधर बैठने के लिए भी जगह है। और ये ऊपर पहाड़ के ऊपर किडनी हिल लिखा हुआ है। इधर पहले इस जगह पे कहीं पर भी पेड़ मौजूद नहीं थे, अब इधर पेड़ लग चुके हैं। तो अब यहाँ से पूरा एक ग्रीनरी माहौल हो चुका है इधर का। ये देखें आप पीछे, तो अब यहाँ पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले पानी का ज़खायर मौजूद नहीं था, अभी इधर पानी भी मौजूद है। और इस जगह पे हमारे को बैठने के लिए सीट मिलती है। इस तरफ सारे सारे सब जगह पे हमारे को सीट मौजूद है। और अगर हम इस साइड देखें तो हमारे को ये पहाड़ के ऊपर फ्लैग और किडनी हिल मौजूद लिखा मौजूद है। और इस पहाड़ को काट के इस तरह का शेप दी गई है। और इस जगह से आप किसी का व्यू देखें तो कितना ज़्यादा एक बहुत अच्छा पुरसकून माहौल है। यहाँ पे लोग सुबह के वक्त जॉगिंग करने भी आते हैं, और जिस वक्त मौसम अच्छा होता है तो उस वक्त लोग जॉगिंग करने आते हैं। एक अच्छा माहौल है यहाँ का, पुरसकून है। और खामोशी, जिनको खामोशी ज़्यादा पसंद है उनके लिए ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे। और ये देख सकते हैं आप पीछे की तरफ, यहाँ पे हमारे को सीटें मौजूद मिलती हैं। और इस जगह पे इन्होंने ग्रीनरी भी लगा दी है। यहाँ पे पहले पेड़ मौजूद नहीं थे, अब पेड़ भी मौजूद हैं इस जगह पर। तो अब यहाँ पे जो बैठने का माहौल है उसमें और ज़्यादा इजाफा हो गया है। तो अब यहाँ पे पूरा एक लोग इंजॉय कर सकते हैं, फैमिली आती है जॉगिंग करने के लिए और यहाँ पे बैठ के अपना वक्त गुजारती हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैं अभी नीचे की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ देख सकते हैं नीचे की तरफ, ये अब अच्छा खासा ये रोड प्रॉपर बन चुके हैं। पहले इधर रोड नहीं थे, अब अच्छा खासा बन चुका है।
और अभी आप वहाँ देख सकते हैं ग्रीनरी हो चुकी है। और एक ये वाला गेट है यहाँ से आने का, लेकिन अब ये बंद कर दिए है। और अभी आप यहाँ का वेदर देखें, कितना ज़्यादा अच्छा वेदर हो चुका है। और अभी आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एक मज़ार भी मौजूद है। हम यहाँ से आते हैं अंदर की तरफ। और ये देखें आप, यहाँ पे इस पहाड़ को भी काटा गया है यहाँ पे, ताकि ये दरख्त लगा सके आराम से। और उधर भी हमारे को बैठने की जगह मिलती है। ये मज़ार का बैक का हिस्सा है। और अभी आप जिस देख सकते हैं, जिस जगह झंडा अभी लगा हुआ है, अभी तरक्त आए हैं, मैं आपको झंडा दिखाता हूँ। जहाँ पे झंडा लगा है वो भी एक पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर झंडा लगाया हुआ है। ये रहा।
शाम के वक्त इंजॉय करने आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे बैठ जाते हैं। यहाँ से जो व्यू है नीचे का वो बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू है और यहाँ से हमें बिल्कुल नीचे का भी बिल्डिंग्स जितने भी नीचे का इलाका है वो सारा यहाँ से हमारे को व्यू दिखता है यहाँ से और बहुत अच्छा व्यू है। जब यहाँ पे सूरज ग़ुरूब हो रहा होता है तब भी यहाँ पे एक बहुत अच्छा माहौल होता है। तो इस जगह के बारे में कराची वालों को बहुत से कराची वालों को नहीं मालूम। ये कराची की एक हिडन प्लेस है किडनी हिल पार्क। ये बहुत से लोग कराची वाले इस जगह को जानते ही नहीं है कि ये कहाँ पर है और ये कराची के टॉप में सबसे ज़्यादा ऊपर ऊंचाई पे वाली जगह है जहाँ पे ये किडनी हिल मौजूद है। और ये जो जगह है ये भादराबाद और तारिक रोड के बीच के अंदर हमारे को ये जगह मिलती है और बहुत से लोग जानते नहीं हैं कराची में कि इस तरह का इलाका भी है कि आप जिस तरह के लोग पसंद करते हैं कि ये क्लाइंबिंग जो पसंद करते हैं पहाड़ों पर चढ़ना, अगर वो कराची में चाहते हैं तो इधर आ सकते हैं। इधर एक बहुत अच्छा माहौल है, आपको बिल्कुल वही वाली फीलिंग देगा और यहाँ से उतरते हुए बहुत अच्छा यहाँ से मज़ा आता है उतरने में भी। और अभी आप देख सकते हैं सामने की तरफ जो इलाका है पूरा व्यू आप देख सकते हैं वहाँ का। और जिन लोगों को ऑफ रोडिंग पसंद है वो यहाँ पे ज़रूर हैं